राम राम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नीतू वर्मा ब्लॉग में। और अब हम जो हैं शूटिंग के लिए रेडी हैं। हेलो। और ये, अरे ये सॉरी, और हाँ कैमरा एंगल में पता नहीं लग रहा। और ये इधर आंसू, और इधर हमारे जो है बढ़िया, एक मिनट एक मिनट, लाइट इधर सेट हो रही है सही। जगदीश और देसी रे उठकाऊ थे, एक बार थोड़ा सा अरे उठकाऊ थे, सीधा सीधा बोला करे तनीराम बनिया। हाँ क्या बात है। और अभी मैं मिलवाता हूँ प्रोडक्शन हेड हमारे मैनेजर। हेलो जी, राम राम। और हमारे राइटर भी, और हमारे डाकिया भी, डाकिया। और जूम अनिल कुमार। हेलो, राम राम। हमारे सारथी चालक वाहन, और ये हमारे जो है डीओपी। इनको लाइट मिलना ठीक होता है, इनको लाइट मिलना ठीक है, क्योंकि आपके बारे में देखो ऐसे हो गया लाइट मिलना, लाइट जरूरी है। हाँ लाइट। और ये हमारे बेहतर, अच्छा आप लोग सोचते हो कि इनका नाम बेहतर क्यों है, ये बेहतर ही नाम है इनका, 72। और ये हमारे मनीष भाई, और मनीष भाई बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और नए नए हमारे साथ जुड़े हैं। और इंस्टाग्राम से हम लोग एक दूसरे को जानते थे, और फिर इन्होंने जो है संपर्क किया, और सच में मुझे लगा कि भाई ये काम करेंगे। एक बार मैंने बुलाया, और फिर इनकी मेहनत देखी तो आगे कंटिन्यू अब है, धीरे धीरे करके ये अब काम सीख के फिर एक्टिंग भी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये यो गाइस, यस यस यस, आदित्य आदि हमारे। और भाई दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खोटा सिक्का की शूटिंग हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार प्रेम की वजह से करते हैं, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो फेसबुक पे भी, हर जगह भी 1 मिलियन उसके जो है एक दिन में हो जाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना प्यार देने के लिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये फेसबुक के अलावा यूट्यूब चैनल पर आता है, वेब सीरीज सोनोटेक पे, तो वेब सीरीज सोनोटेक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो दोस्तों, और उसके सारे पार्ट उसमें मिले हैं। और मैं अब आपको मिलवाता हूँ हमारे देसवाल साहब से। नमस्कार जी सभी को। तो देसवाल साहब, आज आप खोटा सिक्का की शूट पे हो। हाँ, और पिछले जो दो हमने किए थे जो किसानों के ऊपर भी थे। हाँ। और कॉमेडी भी, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, और रिजल्ट भी काफी अच्छा है, यूट्यूब पर भी काफी अच्छा रिजल्ट है, और फेसबुक पर सर कल मैंने देखा 2.2 मिलियन तक एक एपिसोड हमारा। हाँ। और 2 मिलियन एक है, 1.5 मिलियन एक है, 1 मिलियन एक है। हाँ। और जो नए पड़े हैं सर्वे रेगुलर चल रहे हैं, चल रहे हैं। और अलग अलग, ये आपको बता दूं, ये अलग अलग उस पे हैं, जैसे सोनोटेक फिल्म्स पे। हाँ। और मैना पे, सब पे अलग अलग 1 मिलियन मैना पे भी है। अच्छा। हाँ, कल नीतू ने मेरे को दिखाया था। हाँ। तो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जो आपके दिल को छू जाएगी कहानी, ये आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब पे। तो दोस्तों, हमारे जो है एक आर्टिस्ट जो है पहुंच चुके हैं यहाँ पे, करीबन करीबन 12 बजे के आसपास ये पहुंचे हैं, और 6 बजे इनको जाना होता है दोस्तों तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। यस, इज्जत की कोई बेइज्जती नहीं हो रही जी, पूरी इज्जत हो रही है, पूरा काफिला दोस्तों आप देख सकते हो, पूरा का पूरा अभी धावा बोलने वाले हैं, सिर्फ आक्रमण बोलना है, और वो टारगेट है दोस्तों उधर बॉर्डर पार, इसको हम बॉर्डर पार की शूटिंग बोलने लग गए हैं आजकल, क्योंकि देखो ये बॉर्डर है दोस्तों, आप देख सकते हो अपने गांव में, घरों में, जो खेतों में जो घर होते हैं, ये जैसे ये घर यहाँ शूटिंग होती है हमारी मोस्टली, तो ऐसे ये बाढ़ सी लगाते हैं, और ये रास्ता दे रखा है पूरा का पूरा, और ये लीक सी बन जाएगा अपना गाँव में, लीक का आगरा है ये, आपको पता है इसको क्या कहते हैं रास्ते को, आपको पकड़ लीक का आगरा बोले, लीक बन रही है उस पर लिखा ले। हाँ, दिखाओ सबको। और ये देखो सब सामान सामून उठा के सब चल रहे हैं, ये सोनोटेक कंपनी का काफिला पूरा पूरा है, खोटा सिक्का, खोटा सिक्का की टीम, हमारे हंसराज रेल एंड भाई साहब की टीम है पूरी की पूरी, ये पूरा पूरा काफिला चल रहा है दोस्तों, देखो राशन की लाइन है। हाँ। और भाई एक आध दिन में सोनोटेक में भी चलो न्यू लाइन बना के, हाँ लाइन बना के चलो सोनोटेक में भी, बढ़िया है। देखो दोस्तों, ये गांव है, यहाँ हम लोग अब पहुंच जाएंगे। और कुछ एक बंदे यहाँ उलझते पुलझते आते सर। हाँ। चलो भाई, चलो शाबाश, आपको बीच में होना चाहिए, कोई पीछे से किडनैप कर ले जाए तो। ना ना, मेरे अरुखाली है। अच्छा, अरे लाला जी आप पकी का घूमे,
और दोस्तों यहाँ पर एक बंदा नकल मारते हुए वो लोग बनाते हुए उधर नहीं जाना भाई, इधर है आज ये ध्यान से ये सारे तारों के नीचे से देखो, बजरंगी भाईजान में जैसे सलमान खान जी गए थे तारों के नीचे से, वैसे तारों के नीचे से वैसे मर्टी मेहनती बहुत है, बॉर्डर पार पहुंच गए हम लोग। अरे कुछ दिख रहा है क्या तेरे को? दिख ही नहीं रहा। देखो सर कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा। अच्छा सर, हरियाणा का बॉर्डर पार करके पंजाब में घुस गए। क्या बात है। मैम कैसा लग रहा है एक साल के बाद शूटिंग करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, एक साल इसलिए कह रहे हैं एक दो एपिसोड में आप आए नहीं थे, बिजी थे थोड़ा। ये सर आपको कैसा लग रहा है इसी टीम में एंटर करके? अरे बहुत बढ़िया लग गए। अरे काम करा करो, हमने भी बढ़िया लग गए, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि हम थर बीच में और बढ़िया बढ़िया मनोरंजन करते रहे। मेरे तो एक बार में नहीं बोला जाता, फिर पूरी तान सी लग गए है। ए मा माई माऊ ए मा, फिर उसमें बीच में तेरा नाम भी आ जाए जो तुमने इधर रखा है। चल तू सारी बात आने छोड़, तने मेरा नाम लेना नहीं आता, तू मैंने प्यार तो कुछ और कह लिया। अगर क्यों मैं तने प्यार तो कुछ और क्यों कहूँ और क्या तक कहूँ? अंकल आपको एक चीज पता है? यहाँ पर तीन तीन कैमरे आपको देख रहे हैं, तीन तीन, और एक उधर भी चल रहा है, ये भी चला रहे थे अभी। फोर है, चार हो गया है ना बेटे, अभी उस कैमरे में उन दोनों में भी कैप्चर हो गई है। पिन खा रही है, देखो गाइस खाने को नहीं मिलता है लड़की को, सेफ्टी पिन खा रही है। ठीक है आगे चलो। अरे तो ठीक है, तो बोल आगे मेरे को भी तो दिखाओ ना। ठीक है क्या कर रहे हो अंकल? ब्लॉग एडिट कर रहे हो क्या? गेम खेल रहा हूँ, क्रिकेट। क्रिकेट खेल रहे हो? एक वो ट्रैक्टर वाला आ रहा है, हाथ जोड़ का प्रार्थना करूँ इसने कोई हाथ चालता कर दे। तंग कर रहा है एक घंटे से, शूटिंग मत होगी हमारी, देख कैमरे पार्ट देखा लग रही है। और क्या हमारे कैमरे तरफ रहे हैं। और यार ये समस्या बन गया भाई, कई बार बोलना चाहिए तो इतना भी बुंडा ना जितना हम सोच रहे थे, पर इतना भी बुरा आएगा इसमें, गलत है। ठीक है ठीक है बुरा आएगा। अरे खरबूजे ले लो, ये देखो कितने बड़े बड़े हैं। ठीक है लाला जी, मैं मंडी में जाऊंगा, उड़े कितने सारे हैं ना, खुशबू काफी अच्छी आ रही है। खरबूजे मस्त खुशबू आ रही है गाइस, मीठे मीठे दुखी पावगा। तो गाइस ये सेकंड सीन का शूट हो रहा है, ये हैं लाला जी मुनीम, कौन से भैया, और विजय जी निकले हैं अपने गेहूं बेचने, जुल्ला आपने एपिसोड में देखा होगा, तो देखते हैं लाला जी खरीदेंगे कि नहीं, कम भाव लगाते हैं हमेशा ही लालची लाला जी। पूरा दाम लगाया करो ना आप, क्या कम लगाते हो, मेहनत नहीं दिखती आपको किसान की? कहाँ से काट दे? अरे हम पैसे दो, हमारे पैसे को नहीं होते, हमने अपनी मेहनत दी जा, पूरे तो देने चाहिए ना मेहनत की। अरे खून पसीना मारा भी एक वो है, मेरे पीना कमाए धंधे। ये माइक सेट हो रहा है, और ये निकले हैं अपने गेहूं बेचने, कहाँ जाओगे बेचने? मंडी में। अच्छा 2300 रुपया भाव है, और आज दो ट्रैली लेकर जा रहा हूँ, दोनों रिता का हूँ, इतने रुपये जोड़ दी मैं, इतने रुपये ले आऊंगा इकट्ठे करके। तो मेरा क्या बनवा रहे उनसे? मेरे लिए आपका एक बर्गर बनवा लूंगा। बर्गर नहीं करवा ले,
खरीद करवा लिया जितने की उतने रुपये करके ले आऊंगा। आप गेहूं डाल रखे क्या आपने? हाँ गेहूं। सच्चाई बोल रहा हूँ? नहीं गेहूं है। खुशबू तो कुछ और आ रही है। खुशबू तो मत जाओ, खुशबू तो खरबूजे पर किया हुआ है। खुशबू है की है? अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए गेहूं, नई टाइप के गेहूं। ये देखो कैसे पूरा काफिला चल रहा है और बड़ा ही कोऑपरेटिव गांव है भाई, सारे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिलहाल मैं और मेरा भाई मेरे साथ, आंसू देख के थोड़ा है ध्यान से। और इस घर में आपको साइकिल भी देखने को मिलेगी, आपको हटाया बेटा एक बार, स्कूटर भी देखने को मिलेगा, और आपको ट्रैक्टर तो मैंने आपको सुबह शायद दिखाया था कि नहीं मेरे को पता नहीं है, आपको ट्रैक्टर भी देखने को मिलेगा और ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे इधर। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, कितना तापमान लगा रहे हो आप फिलहाल? अरे होगा 55-60 डिग्री है करीब, जैसलमेर में इतनी गर्मी हुआ अगर। हाँ लेकिन ये गाड़ी में जैसे अपन एसी को सेट करते हैं ना, तब तापमान आता है 47 के आसपास है सर, बहुत है। और 47 डिग्री इस महीने में इतना तापमान होना बहुत बड़ी बात है सर। मन ने जो 55-56 बताया ना, वो अपने देसी हिसाब से, देसी हिसाब से बताया, मतलब 46-47 तो माने जो बिल्कुल। अच्छा आप पीछे से उत्तराखंड घूम गए, मैंने आपके ब्लॉग देखे थे। हाँ सर। कैसा लगा वहाँ पे, कैसा है फिलहाल? सर उत्तराखंड बिल्कुल मेहनती लोग हैं और ईमानदार लोग हैं। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। मैं वो पूछना चाहता हूँ तापमान के बारे में। तापमान सर गर्मी थी वहाँ पे, तो शाम को तो थोड़ी सी ठंड, जो नदी के किनारे ठंडा पानी है। हाँ सुबह शाम ठंड थी सर, मैं पौड़ी के आसपास था, पौड़ी दिन में, हाँ दिन में गर्मी थी वहाँ पे भी। चलो तो फिर एक बार फैमिली के साथ ट्रिप अपना भी हो जाए। जी बिल्कुल चलेंगे सर, मेरी तमन्ना है। नीतू जी के पास प्रोमिस करो इस बात को। नीतू जी काम करना पड़ेगा। ये देखो इधर मैडम, उत्तराखंड चलेंगे विद फैमिली, ठीक है? ये कह रहे हैं वहाँ पर सांद है और सवेरे सवेरे मजा आवा है, दिन में मजा आवा, वो ठंडा ठंडा पानी जब लग गया है। वैसे तो है गर्मी, मेरा काफी दिन से मन है वैसे भी घूमने, थोड़ी गर्मी तो है, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताऊं, मैं ग्रामीण माहौल में गया था, वहाँ के जो घर है ना सर, उन घर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। अच्छा क्या बात है। एक बात बताऊँ ना, अभी बीच में जो है हमारी जो आमरीन कह रही थी कहाँ जाने के लिए, देखो वाटर पार्क क्या करेंगे, वाटर पार्क देखो इनका अलग महत्व है। और भाई अगर सच में रियल में अगर देखा जाए, अगर हम लोग वहाँ जाएंगे उत्तराखंड में, तो अपने आप में वाटर पार्क है, वो रियल झरने हैं यहाँ बनावटी झरने, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और अभी नीतू जी के एक पुराने जो है जानकार हमारे बीच में पधारे हैं, दीप्ति जी हैं। राम राम जी। इनकी आवाज इसलिए नहीं निकल पा रही है क्योंकि सुबह एक रोटी खाई थी इन्होंने, वो भी परसों सुबह, तो फिर राम राम जोर से बोलो ना। राम राम जी। ये दीप्ति जी यार, ये स्वामी ये आंख बंद कर लेते हैं कई बार। और दोस्तों मैं आपसे मिलवाता हूँ जो आज हमारे सेट पर सबसे पहले पहुंचे थे, वो सदस्य ये कैसे आज ये 6 बजे पहुंचे हैं, विदाउट मेकअप पहचान में नहीं आ रहे हैं, वो एक अलग बात, डरने की जरूरत है नहीं, मेकअप के बाद भी मिलवाएंगे जरूर, और मैं एक बंदे से जरूर मिलवाऊंगा जो नहीं, जो लाला जी की एक खास बात है, लाला जी जो है चमड़ी छोड़ दे दमड़ी नहीं, क्या डायलॉग था? अरे लाला जी चमड़ी छोड़ दे पर दमड़ी ना छोड़ दे, क्या बात है लाला। अरे माता की जय हो, जय हो। जहाँ भी डेरा हो, जहाँ भी डेरा हो वहीं सवेरा हो, और वहीं बसेरा हो और वहीं खवेरा हो, सॉरी खवेरा मतलब खाना। छोटी बच्ची हो क्या?
क्या खा रहे हो? बम ब्लास्ट हो गया ब्लास्ट अभी मैंने खाई भी नहीं है। अरे बहुत खट्टी है भाई। खट्टी? अच्छा वो खट्टे वाली क्या मैंगो वाली? एक आँख सब बंद हो रहा है। ये वाली गुड्डू कैसी लगी? खाई क्या? दिखाइयो फेस। अब थोड़ी मीठी मीठी हो जाती है ये। इस सीन में काफी टाइम लग गया दोस्तों क्योंकि ये गांव में बहुत ज्यादा क्राउड था। देशवाल साहब सर टाइम नहीं लगा, क्राउड बहुत ज्यादा था, बहुत सारे बच्चे आ गए। गाँव के बंदे जो है ना पूरे सारे सबको पता लग गया कि शूटिंग है यहाँ पे। और जैसे कि आप डायलॉग बोलो थे बीच में तो वो चाहने वाला एकदम बीच में बोल पड़ा था आपसे, फिर उसका जवाब देना तो काफी टाइम लग गया। लेकिन पूरा गाँव खोटा सिक्का देखता है, पूरा गाँव जो है खोटा सिक्का देखता है, खास बात है। और आज एक बहुत दूर से बहादुरगढ़ के इलाके से एक बंदा आया जिसके ट्रैक्टर पे हमने शूटिंग भी की। खरबूजे बेचने वाला बंदा था, वो खरबूजे बेच रहा था और वो भी कह रहा था कि मैंने नौवा भाग देखा है और ये दसवां भाग की हम शूटिंग कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी जो है खुशी हुई एकदम से हमें। मेरे तो सर वो नहीं बोलिया डाकिया कौन सा और तो सारे पहचान लिए उसने। अच्छा डाकिया नहीं था, ड्रेस में नहीं था ना डाकिया? ड्रेस थोड़े टांग रहा है। ये रे डाकिया, लो मिलो। हेलो डाकिया, आज डाकखाने में नहीं है, छुट्टी पे है। देखो जी छुट्टी वाले दिन में काम करना पड़ रहा है। हम इस तरफ नेपाल में आ गए थे सारे। अरे मेरी गुड़िया, ये देख सकते हो गाइस, देश वाला अंकल पूरे कंपटीशन में। देखो कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा पहचान लिया आपने? अरे हम भी निकल गए। वापिस आ जाओ चुवन्नी बेटी, उधर मत जाओ। कांटा लग गया आपको? जी आज बॉर्डर पार करते हुए कांटे लग गए। लास्ट टाइम हमें लगे थे, आपको लगे? ये हम खेतों में तो चल रहे हैं दोस्तों, बड़ी धूप थी आज लेकिन सुबह लग गए थे, शाम होगी 5 बज गए अब। अंकल दो साथियों को फिर से मिला देते हैं। मेरे व्लॉग में फंस चुका है, देखो आप भी फंस चुके। ये शक्ल नहीं दिखाता, ये अब याद मैंने, ये देखो ये ऊपर से नीचे से। सो गाइस मेरे पास अभी ना गुड्डू के लिए गिफ्ट है, देखते हैं उसको कैसा लगता है, पर देखते हैं। ले गुड्डू गिफ्ट। ओ या ये थैंक यू, मैंने थैंक यू को गुड्डू को बोला है मेरे लिए। हां जी क्या कहना चाहते हो? कैमरा लिया है आप? एक्चुअली मैं पसरा हुआ था, पड़ा हुआ था, एक्चुअली थकावट थोड़ी ज्यादा हो जाती है सेट पे, लेकिन फिर भी एनर्जी बरकरार रखनी पड़ती है दोस्तों। देखो कैसे एकदम से एनर्जी, देखो थकावट, देखो दोस्तों थकावट, थकावट एनर्जी। दोस्तों हरियाणा वाले हैं, झुकांगे नहीं। क्या है ये, अपना दूध का पतीला लेके खड़ी है शशि। चाय बनाने वाले हो? नहीं सीन में है वो, सीन में अरे खाली है। अभी हमारे दो सीन बचे हैं। एक सेकंड, खाली नहीं है, खाली दो सीन बचे हैं ना। सुनो सुनो सुनो, खाली नहीं है, खाली नहीं है। ओ भर दिया पेपर से। फ्रेश और पानी पी लो। ओ चलो मोरिया मोरिया। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 11, अब खोटा सिक्का का पैकअप हुआ दोस्तों, और ये वाला एपिसोड आप जरूर देखना, मिस मत करना, इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। इसमें कॉमेडी के साथ साथ आपको इमोशनल तड़का भी दिखाई देगा और आपको एक मैसेज भी मिलेगा, तो देखना ना भूले। इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे और देखते रहिए दोस्तों।
बने रहिए हमारे साथ हमेशा, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नीतू वर्मा ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।